Hey friends, welcome to the YouTube channel. और आज मैं Windows 7 पे ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ और आज मैं इस वीडियो में बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो कि आप Windows 7 में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है और आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो जैसा कि हम जानने वाले हैं विंडोज 7 के बारे में, ये वीडियो पूरी तरह से विंडोज 7 का एक इंट्रोडक्शन है। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि आपको अगर आप विंडोज 7 चलाते हैं तो आपको जानना चाहिए, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं एक कंप्यूटर यूज़र के लिए। तो फर्स्ट जो हम जानने वाले हैं वो है विंडोज 7 स्क्रीन, उसके बाद स्टार्टअप प्रोग्राम, फिर हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम विंडो, एरोबिक थीम, चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सेटअप स्लाइड शो, सेटअप द स्क्रीन सेवर, एड अ गैजेट, कस्टमाइज द टास्क बार और एट लास्ट माई कंप्यूटर। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले है विंडोज 7 स्क्रीन, तो यानी कि विंडोज 7 स्क्रीन को पहले हम समझते हैं कि स्क्रीन में क्या क्या है। तो फर्स्ट ये जो आप टोटल जो एरिया देख रहे हैं, ये जो वर्क एरिया है जिस पे हम काम करते हैं, इसे कहते हैं डेस्कटॉप। और उसके बाद ये जो नीचे का लंबा सा हिस्सा देख रहे हैं, ये पैनल, इसे कहते हैं टास्क बार। और इसमें ढेर सारे यहाँ पर छोटे छोटे आइकन होते हैं जिसे, और फिर इधर होता है हमारा, ये है नोटिफिकेशन एरिया जहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर का नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन जो है शो होता है। फिर ये हो गया आपका टाइम और डेट सेक्शन, यहाँ से आप टाइम और डेट देख सकते हैं। और उसके बाद ये लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर में जो ये गोल सा बटन है, इसे कहते हैं स्टार्ट बटन। यहाँ से आप सभी तरह के प्रोग्राम्स, आपके पीसी में जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसे आप ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद आता है टास्क बार आइकन, यानी कि टास्क बार में कौन कौन से आइकन होते हैं। तो यहाँ ये होता क्या कि टास्क बार में कोई, अगर मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल यहाँ क्रोम है, और मान लीजिए यहाँ, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ जो टास्क बार में पिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक सॉफ्टवेयर जो है आपको पिन करके दिखाता हूँ। तो ये पिन हो गया। फिर ये पिन करने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, तो मैं मान लीजिए अगर कोई भी विंडो कुछ भी खोले हुए रहूँगा तो मुझे जो है, मैं आसानी से जो है नीचे यहाँ से जो है इसे ओपन कर सकता हूँ। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो है किसी चीज़ को जल्दी खोलने के लिए और कोई ऐसा चीज़ जो कि हम को हमको ढूंढना ही नहीं पड़े। अब जैसे क्रोम है, तो ये मैं चाहे कोई भी चीज़ यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई गाना वीडियो देखता हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मैं आसानी से जो है यहाँ से जो है क्रोम खोल सकता हूँ। और यहाँ से खोलने का फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे स्टार्ट बटन में जाके क्रोम नहीं सर्च करना पड़ा, या फिर डेस्कटॉप पे पूरा चीज़ हटा के यहाँ से जो है नहीं खोलना पड़ा। उसके बाद फिर आता है स्टार्ट बटन आइकन। तो इसमें भी ढेर सारे आइकन रहते हैं, जो भी आप रिसेंटली जो भी आप प्रोग्राम खोलते हैं वो इसमें आकर पिन हो जाता है। और अब हम इसे चाहेंगे तो, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने ये प्रोग्राम खोला था स्क्रीन रिकॉर्डर, तो ये यहाँ पर पिन हो गया, और मैं चाहूँ तो यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकता हूँ राइट क्लिक करके, रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। या फिर मैं चाहता हूँ कोई प्रोग्राम का जो आइकन है वो यहाँ पर परमानेंटली पिन रहे, हम इसे कर सकते हैं पिन टू स्टार्ट मेन्यू, और ये यहाँ पर परमानेंटली जो है पिन हो गया। और फिर बाद में इसे हम अनपिन भी कर सकते हैं। तो और फिर ये जो एरो टाइप का जो ये देख रहे हैं वाइट कलर का, जिससे मैं किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं माउस पॉइंटर या फिर कर्सर। तो ये तो हुआ विंडोज 7 स्क्रीन। और इसके बाद है स्टार्टअप प्रोग्राम, यानी किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में, और देन हम चूज करेंगे एसेसरीज, और यहाँ पर हमारा पेंट, एमएस पेंट मौजूद है। यहाँ से आप और भी प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, नोट पैड, पेंट, रन, वर्ड पैड, सारे। और कोई भी अगर आपको प्रोग्राम ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
प्रोग्राम इसमें खोजने का सबसे इजी तरीका है कि आप यहाँ पर नाम सर्च करिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्रोम खोलना है तो CHROME, यहाँ आ गया सर्च में गूगल क्रोम। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम जो है ओपन कर सकते हैं। और अब आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम में होता क्या है। तो प्रोग्राम में जो सबसे फर्स्ट थिंग है वो है ये आपका ऊपर वाला हिस्सा, ये जिसे कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पर आपका जो भी आप प्रोग्राम खोले हुए हैं उसका टाइटल दिखाया है कि आखिर वो प्रोग्राम है कौन सा। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है पेंट, इस तरह से अगर आप कोई भी, अब मान लीजिए मैंने क्रोम खोला, तो या फिर कोई भी प्रोग्राम जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो यहाँ पर आ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इस तरह से जो भी प्रोग्राम हम खोलते हैं उसका टाइटल यहाँ पर टाइटल बार में दिखाता है। और उसके बाद इधर राइट साइड कॉर्नर में आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं क्लोज बटन, ये रेड कलर वाला। फिर इसे कहते हैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बटन, जैसे कि अभी ये जो विंडो है ये मैक्सिमाइज फॉर्म में है, यानी कि पूरी तरह से स्क्रीन पर फैला हुआ है, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है स्मॉल हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा पहले से। और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज वापस बड़ा हो जाएगा। फिर ये है मिनिमाइज करने के लिए, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है जो हम यूज कर रहे थे वो साइड में यहाँ टास्क बार में आ गया। अब जब हमें इसे यूज करना होगा तब हम यहाँ टास्क बार में यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा प्रोग्राम खुल जाएगा और हम फिर इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल टाइटल बार के नीचे जो ये ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे कि इसमें है होम व्यू, और इसमें ये फाइल का जो बटन है इसे कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं टैब। इन सब को जो है टैब कहते हैं। फॉर एग्जांपल यानी कि ये हो गया होम टैब, ये हो गया व्यू टैब, ये हो गया फाइल टैब। तो ये हो गया कि जब हम प्रोग्राम कोई भी खोलते हैं तो बेसिकली जो है वहाँ कौन कौन चीज़ हमें देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद है एरोपिक थीम, यानी कि एरोपिक थीम क्या है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो है वो हम चेंज कैसे करें ये। तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर पर्सनलाइज ऑप्शन है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे पर्सनलाइज। फिर यहाँ पर है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। फिर हमें जो भी पसंद है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पसंद है तो इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। और इस तरह से हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद है सेटअप अ स्लाइड शो, यानी कि एक स्लाइड शो जो है कैसे सेटअप करें, यानी कि ऐसा कि ये बैकग्राउंड जो है बार बार चेंज होते रहे। तो उसके लिए सेम प्रोसेस है, हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए ये मुझे टोटल सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट पे हम क्लिक किए, उसके बाद फर्स्ट पे अगर एक सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड में तो किसी एक पे क्लिक करेंगे। और अगर मान लीजिए ये टोटल मुझे चाहिए कि जो है मतलब स्लाइड शो की तरह दिखाया जाए तो टोटल को सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमारा टाइमिंग है कि कितने देर में जो है पिक्चर बदलते रहेगा, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ 10 सेकंड पे कर देते हैं। अब सेव चेंजेस कर देते हैं, अब क्या होगा कि 10 सेकंड पे जो है हमारा जो बैकग्राउंड है वो बदलते रहेगा। उसके बाद है चेंजिंग डेस्कटॉप, सॉरी एरोपिक थीम। एरोपिक थीम क्या होता है, तो जैसे कि पहले जो Windows 7 जो आता था उसमें थीम, उसका थीम जो इस टाइप का होता था, नीचे जो टास्क बार होता था वो सॉलिड कलर का होता था, और ये ऊपर का भी हिस्सा जो है ये सॉलिड कलर का होता था। तो ये तो हो गया पुराना वाला थीम जो पहले जो होता था। इस थीम का जो है नाम दिया गया Windows 7 बेसिक। उसके बाद आया Windows 7 एरोपिक थीम। इसमें क्या हुआ कि जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं चूज करके इसे दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि ये जो टास्क बार है या फिर ये ऊपर का जो टाइटल बार है ये सब ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसके आर पार दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैं कोने में इसे खसका कर लाया हूँ, यहाँ पर जो माई कंप्यूटर है हल्का हल्का दिख रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंट टाइटल बार और ट्रांसपेरेंट टास्क बार जो है इस थीम में हमें मिलता है। तो इस थीम को यूज करने का तरीका क्या है, तो
तो सेम जैसे हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करते हैं, पर्सनल राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाएंगे और यहाँ पर ढेर सारे थीम्स का नाम लिखा हुआ है। जो भी बैकग्राउंड है वो किसी न किसी थीम से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एरो थीम, उसके बाद यहाँ है बेसिक एंड हाई कॉन्ट्रास्ट थीम। तो हम क्या करेंगे कि एरो थीम में से जो है किसी भी बैकग्राउंड को जो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया, तो अब क्या हुआ कि ये जो हमारा जो थीम है ये एरोपिक थीम में बदल गया। और जैसा कि बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैंने बताया ही, बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो भी मुझे हमें पसंद है उस पर क्लिक करके सेव चेंजेस कर देना है। और अपने स्लाइड शो बनाने सेट करने के लिए सीखा। और इसके बाद है सेट स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर कैसे सेट करते हैं, तो स्क्रीन सेवर क्या होता है कि जब मान लीजिए हम 1-2 मिनट के लिए या कितना भी देर के लिए जब हम पीसी पे काम करना बंद कर देते हैं और कहीं चले गए, और तो हमारे नामौजूदगी में क्या होता है कि जो है मतलब स्क्रीन जो है बंद होकर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट शो करता है या फिर कुछ डिजाइन शो होता है या इस टाइप का कुछ, तो उसे सिलेक्ट करने के लिए हम एज सेम प्रोसेस राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज में जाएंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन है स्क्रीन सेवर, तो जैसा कि मेरे पीसी में अभी स्क्रीन सेवर ऑन नहीं है तो यहाँ पर जो है नो का साइन दिखा रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ है ये हम खुल गया स्क्रीन सेवर सेटिंग, और इसमें स्क्रीन सेवर के नीचे यहाँ पर नन है क्योंकि मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया है। और अब यहाँ से मुझे ऑप्शन है कि मैं किस तरह का स्क्रीन सेवर चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3D टेक्स्ट, तो बबल्स, यानी कि कोई भी यहाँ से हम स्क्रीन सेवर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जो है जब हमारा स्क्रीन बंद हो जाएगा तो उसके बाद ये शो करेगा। अब यहाँ से हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि स्क्रीन सेवर कितनी देर पे चालू होगा, तो मैं यहाँ पर जैसे कि 1 मिनट सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई और फिर ओके कर देना है। अब हमारा स्क्रीन सेवर जो है सेट हो गया। अब जैसा कि मैंने 1 मिनट अगर सेट किया तो 1 मिनट के बाद जो हमारा स्क्रीन सेवर शो होने लगेगा, तब अगर हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है कस्टमाइज द टास्क बार। टास्क बार को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये उसके लिए हम टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे प्रॉपर्टीज में, और उसके बाद यहाँ देखिए टास्क बार में ऑप्शन है लॉक द टास्क बार। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए अभी लॉक है, और अगर मान लीजिए हम इसे लॉक द टास्क बार को अनटिक कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं यानी अप्लाई कर देते हैं, तो अब क्या होगा कि हम टास्क बार को जिधर चाहे उधर खसा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से घसीट के यहाँ कर दिया, या फिर चाहूँ तो राइट साइड कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट साइड कर सकते हैं, या फिर वापस नीचे कर सकते हैं, इस तरह से यानी ये अनलॉक हो गया। अब एक बार अगर ये लॉक हो जाता है तो अब हम इसे नहीं कर सकते हैं। देखिए उसके बाद इसमें और भी हमें फंक्शन मिलता है ऑटो हाइड टास्क बार। ऑटो हाइड में क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे टिक करके मैंने ओके कर दिया, तो अब क्या है कि जब मैं कहीं और कर्सर करूँगा, कर्सर यहाँ टास्क बार की जगह से हटा के, तो टास्क बार यहाँ हाइड हो जाएगा, देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे अनटिक कर देता हूँ। उसके बाद है स्टार्ट, उसके बाद है टूल बार, यानी कि हमारे जो टास्क बार है उसमें कौन कौन सा टूल रहेगा। तो ये डेस्कटॉप है, यानी कि ये इसका क्या यूज़ होता है, तो इससे जो हम कोई भी फाइल जो है इस तरह से मतलब शो कर, जैसे डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया तो ये हमें डेस्कटॉप का दिखा रहा है, डेस्कटॉप पे कौन कौन सा प्रोग्राम है। उसके बाद मैं कंप्यूटर में गया, माई कंप्यूटर खुल गया, फिर यहाँ से लोकल डिस्क मैंने सिलेक्ट कर दिया कौन सा जो है मुझे डिस्क खोलना है। फिर इसके बाद मैं जो भी फाइल यहाँ चाहूँ तो ओपन कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो यानी ये जो है एक फाइल वगैरह को खोलने का एक अलग ही तरीका हो जाता है। उसके बाद यहाँ और भी ऑप्शन है एड्रेस, एड्रेस हो ओके टिक करके ओके करने से क्या होगा कि यहाँ पर एक जो है लिंक डालने का जगह बन जाएगा जहाँ से हम कोई भी चीज़ जो है डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेबसाइट। अब उसके बाद है लिंक, तो लिंक में जो है हमें यहाँ पर जो है अलग अलग तरह का वेबसाइट लिंक आप देख सकते हैं, वेबसाइट गैलरी, इस तरह से कुछ और भी जो है हमें वेबसाइट लिंक शो हो रहे हैं। तो ये तो हो गया टास्क बार को कस्टमाइज करने के लिए। फिर यहाँ पर है यूज स्मॉल आइकन, यानी कि हम टास्क बार में स्मॉल आइकन चाहते हैं या
लार्ज आइकन, तो सर मैंने स्मॉल आइकन पे टिक किया हुआ है तो मेरा आइकन जो है टास्क बार में वो स्मॉल है। उसके बाद है माई कंप्यूटर, जो कि ये है। इसमें क्या है कि यहाँ से हम अपने सिस्टम में, अपने पीसी में मौजूद सारे फाइल को ब्राउज कर सकते हैं, यानी कि जो भी गाना वीडियो वगैरह जो भी है वो सब हम यहीं से ब्राउज कर सकते हैं। आप जब इसे खोलते हैं तो इसमें अलग अलग डिस्क बना हुआ रहता है, टोटल लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई और लोकल डिस्क जी। ये क्या करता है, तो ये जो हमारे हमारा जो हार्ड ड्राइव होता है उसके पार्टीशन को दिखाता है कि आपका हार्ड ड्राइव जो है इतने पार्टीशन बटा हुआ है, इसमें से इसका नाम है लोकल डिस्क सी, इसका नाम है लोकल डिस्क डी। इस नाम को हम चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्पेस बताता है कि किस डिस्क में, यानी किस पार्ट में जो है कितना स्पेस है। तो मेरे लोकल डिस्क सी में जो है 97.5 GB स्पेस है, जिसमें कि 72 GB जो है मेरा फ्री है। और उस तरह से इसका भी स्पेस बता रहा है, इसका भी बता रहा है और इसका भी बता रहा है। सर हम यहाँ से कोई भी फाइल ब्राउज कर सकते हैं, हम फोटो वीडियो जो भी हो। तो ये हो गया हमारा माई कंप्यूटर, और हम इसे यहाँ डायरेक्ट, अगर आपका डेस्कटॉप पे मौजूद नहीं है माई कंप्यूटर, तो आप यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन है कंप्यूटर, या फिर जो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कंप्यूटर। देखिए आ गया कंप्यूटर। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज 7, यानी कि विंडोज 7 का जो इंट्रोडक्शन है उसका ये फर्स्ट पार्ट है। और इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाने वाला हूँ, तो उस पार्ट को जो है देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है। थैंक यू। लेटेस्ट वीडियोज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टेकी कोर्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।